Hello, children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter Staying Clean and Fit. Staying clean and fit is important for all of us. We must keep our bodies and surroundings clean. To stay fit, we must eat clean, fresh, and nutritious food. We must play, exercise, and have enough rest. अपने आप को फिट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए हमें अपनी बॉडीज़ को तो साफ रखना ही है साथ ही साथ अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए तो फिट रहने के लिए हमें क्लीन और फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए हमें खेलना चाहिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ ही साथ रेस्ट भी करना चाहिए कीपिंग क्लीन स्टे क्लीन इज अ गुड हैबिट वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन फॉर गुड हेल्थ आफ्टर टॉयलेट वाश हैंड्स विद सोप एंड वाटर वाश यो फेस ड्राई इट विद अ टॉवेल क्लीन योर नोज एंड ईयर्स देखिए अगर आप साफ रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत है राइट क्योंकि देखिए अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी जैसे टॉयलेट के बाद अपने हैंड्स को आप वाटर एंड सोप से अच्छी तरह से धोएं जब आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद उसको ड्राई करें अपने नोज एंड ईयर्स को भी आप क्लीन रखें when we eat food or sweets, small bits get stuck between our teeth. this can spoil our teeth. brush your teeth with toothpaste. keep your tongue clean. use a tongue cleaner. gargle to clean your mouth. माउथ अच्छा जब कभी आप कुछ खाना खाते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं तो छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं ना वो टीथ के बीच में फंस जाते हैं और अगर वो हमारे टीथ पर रहे तो हमारे टीथ उससे स्पॉयल हो सकते हैं इसीलिए आपको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट के साथ हमेशा अपनी टंग को भी क्लीन रखना चाहिए बाय यूजिंग अ टंग क्लीनर एंड माउथ गार्गल जरूर करना चाहिए यानी कुल्ला जरूर करना चाहिए नेल्स हैव डर्ट इन देम दिस डर्ट पास इन योर बॉडी विद फूड ट्रिम योर नेल्स विद अ नेल कटर अच्छा इसी तरह से ना आपकी जो नेल्स अगर थोड़े से बढ़ जाते हैं तो उसमें डर्ट होता है अगर आप ऐसे नेल्स के साथ खाना खाएंगे तो ये जो डर्ट है आपकी बॉडी में पास ऑन हो जाएगा फूड के साथ इसीलिए आपको अपने नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम करना चाहिए our body gets dirty and dusty from the air. A good bath cleans our whole body. Take a bath every day. Use a soap and water to wash away dirt. Wipe your body clean with a clean towel. अच्छा देखिए हमारी body जो है वो dirty और dusty हो जाती air से क्योंकि air में already बहुत सारा dust होता है. तो इसीलिए आपको हमेशा हर दिन आपको नहाना चाहिए. नहाने के लिए आपको सोप एंड वाटर का यूज करना चाहिए और उसके बाद अपनी बॉडी को वाइप करना चाहिए एक क्लीन चावल के साथ वेयर क्लीन एंड वेल आय क्लोथ्स कॉम योर हेयर प्रॉपरली कीप योर हेयर नीटली कॉम्ड योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईश मील आपको हमेशा साफ सुथरे कपड़े तो पहनने हैं साथ ही साथ आपको वेल आयरन क्लूड्स पहनने हैं अपने हेयर है को प्रॉपरली कॉम करना है और अपने हर मील से पहले और मील के बाद यू शुड वॉश योर हैंड्स ईट स्लोली एंड श्यू वेल ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड यूज योर ओन प्लेट एंड ग्लास टू ईट एंड ड्रिंक टू नॉट लिक योर फिंगर्स अच्छा देखिए आप कुछ अब खाते हैं ना तो आपको स्लोली स्लोली अपने खाने को च्यू करना चाहिए फूड की छोटे छोटे बिट्स लेने चाहिए अपनी खुद की प्लेट यूज करना है ग्लास यूज करना है राइट right? एंड अपनी फिंगर्स को लिक नहीं करना यानी कि उन्हें चाटना नहीं है कीपिंग क्लीन अराउंड यू ओके अब आप अपने सराउंडिंग में किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं देखिए यूज हैंकी वेन वी यूज स्नीज जब कभी आपको चीखा आए तो आपको हमेशा एक हैंक चीफ का यूज करना चाहिए डोंट स्पिट एवरीवेयर आपको थूकना नहीं चाहिए हर जगह एंड यूज द डस्टबिन और जो भी गार्बेज हो वो आपको डस्टबिन में डालना चाहिए फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एवरी टाइम एंड जब भी आप टॉयलेट यूज करें उसके बाद आप उसे फ्लश करना ना भूलें कीपिंग फिट वी नीड टू प्ले एक्सरसाइज एंड हैव enough rest. रेस्ट इट कीप्स fit फिट एंड हेल्दी स्टे फिट टू एंजॉय लाइफ फुली अच्छा देखिए हेल्दी रहने के लिए आपको खेलना भी चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए एंड प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए Rest and sleep. All day long, we work or play. We get tired, so we need to rest. You should sleep about 8 hours every night. Before going to bed, brush your teeth. Do not cover your face while sleeping. Keep the windows open. Go to bed early and get up early. Sleep gives rest to our body, rest refreshes our body. अच्छा देखिए पूरा दिन हम खेलते हैं काम करते हैं तो इसलिए हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है और इसीलिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है राइट हर दिन यानी हर रात हमें आठ घंटे की नींद लेनी चाहिए एंड सोने से पहले हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए जब आप सोते हैं तो कभी भी अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए विंडोज़ ओपन होनी चाहिए जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके और हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए एक्सरसाइज Get up early in the morning, get fresh and brush your teeth. Always breathe through your nose. Do some exercises. Exercise keeps your body fit and strong. Running or walking is a good exercise. अच्छा देखिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए फिर फ्रेश होने के बाद यू शुड ब्रश योर टीथ और हमेशा आपको अपने नोज से breathe करना चाहिए इसके बाद आप मॉर्निंग में क्या करेंगे आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट एंड strong रहती है आप चाहे तो रनिंग या वॉकिंग भी कर सकते हैं ये भी आपकी एक गुड एक्सरसाइज है करेक्ट पॉस्चर अस फिट ओके रिमेंबर दैट अगर आप करेक्ट पॉस्चर है ना ये भी आपको फिट रखता है सी आपको यहां पे पॉस्चर्स दिए गए देखिए सिट स्ट्रेट हमेशा आपको स्ट्रेट बैठना है राइट स्टैंड स्ट्रेट ओके वॉक विथ बैक स्ट्रेट सो दीज आर द करेक्ट पॉस्चर्स प्ले वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे प्लेइंग refreshes एंड relaxes आस इट keeps us फिट एंड हेल्दी आपको डेली आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए राइट क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है रिलैक्स हो जाती है एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी जो है फिट एंड हेल्दी भी होती है गुड हैबिट्स गुड हैबिट्स हेल्प टू कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन देखिए जो गुड हैबिट्स होती है ना आपको और आपके सराउंडिंग को क्लीन रखने में हेल्पफुल होती है सो देखिए कौन सी गुड हैबिट्स हैं देखिए सबसे पहले टू नॉट बाइट योर नेल्स आपको अपने नेल्स कभी भी बाइट नहीं करने हैं कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग दम क्लोज द टैप आफ्टर यूज इसी तरह से टैप को देखिए यूज करने के बाद आप उसे क्लोज कर देंगे एंड डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स कभी भी किसी भी हाउस या बिल्डिंग की वॉल्स पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है फॉरगेट मी नॉट keep your body clean for good health brush your teeth take a bath and comb your hair keep your surroundings clean we need rest and sleep after days work exercise keeps our body fit play is necessary for healthy body and mind ओवरऑल हेल्थ के लिए आपकी गुड हेल्थ के लिए आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए जिसके लिए आपको अपने टीथ ब्रश करने हैं डेली नहाना है अपने हेयर को कॉम करना है अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है राइट प्रॉपर रेस्ट लेना है एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे